यस सर, तो यस, सो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए हमें ईआर मॉडल बनाना है. तो आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू टेक योर टाइम एंड ड्रॉ ईआर डायग्राम फॉर दिस बेस्ड ऑन द पॉइंट्स व्हिच वी हैव जस्ट डिस्कस्ड. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक रीजनल काउंसिल है जिसको डेटाबेस डिजाइन करना है स्कूल्स के बारे में, जितने भी उस रीजन में स्कूल्स हैं, और उसके लिए हमें जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये गिवन है. तो ये नीचे ए बी सी डी करके आपको रिक्वायरमेंट्स गिवन है, और इन रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको ई आर डायग्राम बनानी है. सो टेक योर टाइम, और आपके पास कॉपी पेन है, 3 मिनट है आपके पास, और आप इसकी ई आर डायग्राम अपनी अपनी कॉपी पे बनाइए. जैसे मैंने बताए हैं स्टेप्स, के पहले स्टेप में आप पहला पॉइंट पढ़ो और इसमें से एंटिटीज ढूंढो, उसी साथ ही आप साथ के साथ ही उन एंटिटीज में से रिलेशनशिप भी फाइंड आउट कर लो और उनके टाइप ऑफ कनेक्शन भी देख लो. तो एक एक पॉइंट को पकड़ो और उसको सॉर्ट आउट सॉल्व करते हुए फिर अगले पॉइंट पे जाओ. तो जैसे ए है, एवरी स्कूल हैज मेनी स्टूडेंट एंड मेनी टीचर्स. तो यहां से देखो किसके बारे में पता चल रहा है. फिर ईच स्टूडेंट इज असाइन टू वन स्कूल एंड ईच टीचर वर्क ऑन वन स्कूल. सो ऐसी कुछ बातें इसमें लिखी हुई हैं, और ये रिक्वायरमेंट्स को एक बार पढ़ते हुए आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें. सो यू हैव 4 मिनट्स, एंड आफ्टर दिस 4 मिनट्स वी विल डिस्कस द सोल्यूशन. बट बिफोर दैट आई वॉन्ट दैट एवरीवन शुड ट्राई इट ऑन यूर ओन, प्लीज. सर ये सिर्फ 4 ही पैरामीटर है, मतलब ए टू डी ही है। यस, सर ए टू डी ही है और तो नहीं है कुछ? ना नहीं है. यस, हाँ हो गया सर, बन गया।
So let's start the discussion on this. Yes, so let's start. शुरू करेंगे अभी कुछ और टाइम चाहिए नो सर दो मिनट तो शुरू करते हैं साथ साथ, फिर जो रह गया वो भी कर लेना अभी। तो काफी सारे स्कूल्स के बारे में है, एक रीजनल में जितने भी स्कूल्स हैं उनको ऑटोमेट करना है। तो पहले पॉइंट में कौन कौन सी एंटिटी सेट मिलती हैं? स्कूल एंड टीचर। सर स्कूल स्टूडेंट एंड टीचर। स्टूडेंट एंड टीचर। तो एवरी स्कूल हैज मेनी स्टूडेंट, तो स्कूल और स्टूडेंट में रिलेशनशिप है। स्कूल में काफी सारे स्टूडेंट हैं और स्कूल में काफी सारे टीचर भी हैं। स्कूल में काफी सारे टीचर भी हैं। ईच स्टूडेंट इज असाइंड टू वन स्कूल, स्टूडेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक है, एंड ईच टीचर फॉर ओनली वर्क। सो ये भी एक, इट्स वेरी सिंपल। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं तो बहुत आसान है प्रॉब्लम को टैकल करना। तो आपने सबसे पहले एंटिटीज ढूंढी, उसके बाद रिलेशनशिप्स देखे और साथ की साथ ही उसकी टाइप नोट कर ली कि वो क्या है। आगे चलते हैं। ए टीचर टीच मोर देन वन सब्जेक्ट, तो अब इसमें सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट एंटिटी आ गई, यस। और ये रिलेशनशिप भी आ गया, टीचर टीच मोर देन वन सब्जेक्ट, बट ए सब्जेक्ट कैन बी टॉट बाय मोर देन वन टीचर। तो सब्जेक्ट में भी मोर देन वन टीचर हो सकते हैं। तो टीचर टीच मोर देन वन सब्जेक्ट, बट ए सब्जेक्ट में बी टॉट बाय मोर देन वन टीचर। और उसके बाद फिर अभी एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा है। डेटाबेस शुड स्टोर नंबर ऑफ आवर्स टीचर स्पेंट ऑन टीचिंग ए सब्जेक्ट। तो इसका क्या करना है? एनीवन द डेटाबेस एट्रीब्यूट बना, एट्रीब्यूट ये रिलेशनशिप का बनेगा। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ आवर्स है वो यहाँ आएंगे। सो नंबर ऑफ आवर्स आप यहाँ बनाओगे कि कौन से टीचर ने कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर पढ़ाया है, एंड देन टीचर का जो डाटा है वो लिखा ही हुआ है। तो टीचर के एट्रीब्यूट्स बताए हैं इसने कि NIN है, और नेम जो है ये कंपोजिट है जो कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में है। उसका ये सेक्स आ गया, और उसकी क्वालिफिकेशंस हैं, तो जो मल्टी एट्रीब्यूट आ जाएगा। तो आप ऐसे टीचर के एट्रीब्यूट बना दोगे। तो टीचर में उसने बोला है कि उसका NIN है जो कि की एट्रीब्यूट होगा, नेम फर्स्ट और लास्ट में जाएगा, सेक्स है, और क्वालिफिकेशंस हैं तो मल्टीपल होंगी, तो ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। सब्जेक्ट में टाइटल और टाइप है, तो बस यहाँ पे एक टाइटल दे दीजिए और एक टाइप दे दीजिए। टाइटल को आप की एट्रीब्यूट दिखा दीजिए। क्वालिफिकेशन वाला मल्टी वैल्यू है जी, मतलब मल्टी वैल्यू इसलिए आया ना क्योंकि मल्टीपल क्वालिफिकेशंस स्टोर करनी है, तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट एक क्वालिफिकेशन दूसरी को इनकैप्सुलेट कर रही है।
मैं समझा नहीं सर, इस वाली मतलब दो सर्कल का मीनिंग क्या होता है, मतलब दोनों में रिलेशन होता है, क्वालिफिकेशन में भी कोई रिलेशन? क्वालिफिकेशन में और दूसरी क्वालिफिकेशन में, दोनों क्वालिफिकेशन में कोई रिलेशन नहीं है ना? ना ना, क्वालिफिकेशन तो एट्रीब्यूट है ना उसका, तो क्वालिफिकेशन तो टीचर का एट्रीब्यूट है ना, तो जैसे टीचर के आप क्वालिफिकेशन स्टोर करोगे ना कि उसने एमएस की है, उसने पीएचडी की है, उसने पोस्ट डॉक की है, तो उसकी क्वालिफिकेशन मल्टीपल आएंगे ना उसमें, तो जब आप उस वे में कह रहा हूँ कि इनर सर्कल और आउटर सर्कल में कोई फर्क तो नहीं है ना? ना ना, कोई रिलेशन नहीं है, वो तो बनाने में मैंने ऐसे ही बना दिया ना, तो वो कोई वो तो ऐसे डबल ओवल साइन है, कोई जुड़े नहीं हुए आपस में। चलो आगे चलो, ये इसमें ए और बी तो क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट हो? गुड। और अब सी में कह रहा है कि ईच स्टूडेंट कैन स्टडी मोर देन वन सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कैन बी स्टडीड बाय मोर देन वन, वो तो अब स्टूडेंट और सब्जेक्ट के बीच की बात हो रही है, सब्जेक्ट कैन स्टडी मोर देन, स्टूडेंट कैन स्टडी मोर देन वन, और उसमें भी ये तो किस मैनी टू मैनी टाइप का हो गया रिलेशनशिप। सो यहाँ रिलेशनशिप दिखाना है, तो स्टूडेंट में काफी सारे सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट में काफी सारे स्टूडेंट हैं, सॉरी, सो स्टूडेंट के काफी सारे सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट में काफी सारे स्टूडेंट हैं। डेटा हेल्ड ऑन ईच स्टूडेंट इंडिकेट्स, तो ये स्टूडेंट के एट्रीब्यूट हो गए, स्टूडेंट का कोड है, ये नेम को तोड़ देंगे, सेक्स आ जाएगा और डेट ऑफ बर्थ आ जाएंगे, सो यू नो दैट, मैं इसको बना नहीं रहा, और ये मैनी टू मैनी टाइप आ गया। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट के एट्रीब्यूट दिखा दोगे जो जैसे उसने बताया है, और ये मैनी टू मैनी टाइप का रिलेशनशिप हो जाएगा। तो लास्ट पॉइंट, एवरी स्कूल इज मैनेज्ड बाय वन ऑफ इट्स टीचर, और डेटा शुड कीप द ट्रैक कि किस दिन से उसने उसको मैनेज करना शुरू किया था। तो क्या करना है इसको सर? स्कूल और टीचर में रिलेशन आएगा एक मैनेजमेंट वाले का, और वन टू वन होगा, मैनेज का रिलेशनशिप आ जाएगा, तो उसी one तरह से one. ये वन टू वन का होगा जैसे पिछली बार वाला ही हो गया केस हेड वाला। और कुछ और भी करना है, इसका एट्रीब्यूट स्टोर होगा एक रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट, तो रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट हो जाएगा कि किस किस डेट को इसने ज्वाइन किया था एज ए हेड, तो इस रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट आ जाएगा, तो डेटाबेस शुड कीप ट्रैक। बाकी ये एट्रीब्यूट स्कूल के आ गए, ये स्कूल का कोड है, नेम तो सीधा ही लिखा हुआ है इसने, लेकिन एड्रेस कंपोजिट है, और ये फोन है। तो दिस इज द कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, ये काफी डिटेल्ड रिक्वायरमेंट शीट है, इसमें कोई भी अजम्पशन का स्कोप नहीं था, सारे एट्रीब्यूट्स प्रॉपर दिए थे। तो नॉर्मली आपको पेपर में इस तरह की ईआर मॉडल्स के लिए क्वेश्चन मिलेगा, और आपको ऐसे कुछ दिया होगा और आपको उसको पढ़ के ऐसी ईआर मॉडल बनानी होगी, जैसे यहाँ पे मैंने रफ सी बनाई है। तो दिस इज द पॉइंट, एंड आई होप दैट इससे आपको फेयर आइडिया लग गया होगा कि कैसे काम करना है, और अब इससे ये भी आपको आइडिया लग गया होगा कि जब आप अपना प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करनी है, और आपको अपने प्रोजेक्ट की ऐसी कुछ ईआर मॉडल बनाना है जिसमें काफ़ी सारी एंटिटीज होंगी, उनके बीच में रिलेशनशिप्स होंगे, हर एक रिलेशनशिप की टाइप्स होगी, हर एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होंगे, फिर एट्रीब्यूट्स की फर्दर टाइप होंगी। सो दिस इज ए क्वाइट डिटेल्ड एनालिसिस of requirements in a graphical way. If you have any doubt, you can ask me any question. Sir, how we come to know the attributes of the relationship? तो ये requirement में ही पता चलेगा ना, तो उसने requirement में लिखा, जैसे यहाँ पे requirement पढ़ते हो आप, तो वो बता रहा है कि जब वो teacher subject पढ़ा रहा है, जैसे यहाँ लिखा है, तो डेटाबेस शुड स्टोर द नंबर ऑफ आर ए टीचर स्पेंट ऑन टीचिंग इस कोर्स, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ आर है ये सोचना पड़ेगा किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ये बता रहा है कि कितनी देर टीचर एक कोर्स पे लगा रहा है, तो जो नंबर ऑफ आर है ये ना तो टीचर का एट्रीब्यूट है ना कोर्स का एट्रीब्यूट है, ये पिक्चर में कब आता है, जब टीचर एक कोर्स पढ़ाता है, तो इस तरह से आपको कोरिलेट करना है कि जो नंबर ऑफ आर है ये रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट आएगा। तो जैसे यहाँ पे है कि स्टूडेंट टीचर मैनेज कर रहा है स्कूल को, डेटाबेस शुड कीप द ट्रैक कि किस दिन से उसने मैनेज करना शुरू किया था, तो अब किस दिन से मैनेज करना शुरू किया है वो जब स्टोर करना है, तो वो हर टीचर के एट्रीब्यूट में नहीं डाल सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि टीचर जो है वो डेट ऑफ मैनेजमेंट आप यहाँ नहीं डाल सकते, क्योंकि उस केस में बहुतों में नल आएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही टीचर है जो उसको मैनेज करेगा, तो इट्स बेटर टू हैव
डेट ऑफ मैनेजमेंट हियर ओनली फॉर दोज हु आर एक्चुअली मैनेजिंग द स्कूल. सो इसमें मैं यहाँ पे डाल देंगे. मतलब ये आपको रिक्वायरमेंट पढ़ के ही उसको एनालाइज करना होगा कि व्हाट इज द बेस्ट प्लेस टू पुट एन एट्रीब्यूट, कि आप उसको ए में डाल सकते हो, बी में डाल सकते हो या रिलेशनशिप में डाल सकते हो. तो वो रिक्वायरमेंट ही हमें